नमस्कार, मैं गीता साव, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने संघर्षों से लड़कर कामयाबी हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को गंगाधर नेहरू और उनकी पत्नी इंद्राणी के मरणोपरांत पुत्र के रूप में हुआ था। नेहरू परिवार कई पीढ़ियों से दिल्ली में बसा हुआ था और गंगाधर नेहरू उस शहर में कोतवाल थे। 1857 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गंगाधर अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर आगरा चले गए, जहां उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। कुछ कारणों से दिल्ली में नेहरू परिवार के घर को विद्रोह के दौरान लूट लिया गया और जला दिया गया। आगरा में गंगाधर ने जल्दी से अपनी दो बेटियों पटरानी और महारानी की शादी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में करा दी। 4 फरवरी 1861 को उनकी मृत्यु हो गई और 3 महीने बाद उनके सबसे छोटे बच्चे मोतीलाल का जन्म हुआ। इस समय मोतीलाल के दो बड़े भाई बंसीधर नेहरू और नंदलाल नेहरू 19 और 16 वर्ष के थे। उनके परिवार ने 1857 की उथल पुथल में अपनी लगभग सारी संपत्ति खो दी थी। कुछ वर्षों के भीतर नंदलाल ने खेतड़ी एक राजा के दरबार में क्लर्क की नौकरी पाली और अपनी माँ और भाई का भरण पोषण की करने लगे। इस प्रकार मोतीलाल अपने बचपन खेतड़ी में बिताने के लिए आ गए, जो अब राजस्थान में जयपुर रियासत के भीतर दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना है। 1883 में मोतीलाल ने वकील की परीक्षा पास की और कानपुर में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने लगे। 3 साल बाद वह अपने भाई नंदलाल द्वारा पहले से स्थापित आकर्षक अभ्यास में शामिल होने के लिए इलाहाबाद चले गए। अगले वर्ष अप्रैल 1887 में उनके भाई की 42 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अपने पीछे 5 बेटे और 2 बेटियों छोड़ गए। इस प्रकार 25 वर्ष की आयु में मोतीलाल विस्तारित नेहरू परिवार के एकमात्र कमाने वाले बन गए। 5 फरवरी 1919 को उन्होंने द लीडर के प्रतिवाद के रूप में एक नया दैनिक अखबार द इंडिपेंडेंट लॉन्च किया, जो 1919 में मोतीलाल के मानक और स्पष्टवादी विचारों के लिए बहुत अधिक उदार था। मोतीलाल नेहरू ने 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, एक बार अमृतसर में और दूसरी बार कलकत्ता में। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन पर गहरी छाप छोड़ी, जहां यह बताया गया है कि उन्होंने इसके बाद में लिखा था, मेरा खून खौल रहा है। उसी साल दिसंबर में उन्हें अमृतसर कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुना गया। 1916 में मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू के राजनीति में प्रवेश से सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली भारतीय राजनीतिक राजवंश की शुरुआत हुई। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू की उम्र और गिरते स्वास्थ्य ने उन्हें 1929 से 1931 की ऐतिहासिक घटनाओं से दूर रखा, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया और जब गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटे के साथ कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें छोड़ दिया गया। 6 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो गई।